बोलने की बात तो नहीं दिख रहा ना सबको, अंधे गया लोग, बच्चा है पानी भर गया, कभी कभी गया बच्चा तो पिछल गया, तो जहाँ तक बात जाना चाहिए उनके कान बहरे हो चुके, अंधे गए हो। कल भी एक टेम्पो फंस गया था रात को, बाइक वाला भी एक रिक्शा भी, ये परसों के दिन। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के सम्राट नगर के नाके पर। आपको बता दें कि ये सम्राट नगर का प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, सवाल उठता है कि क्या किसी हादसे से ही जो स्थानीय नगर सेवक हैं, शासन प्रशासन के लोग हैं, उनकी नींद किसी हादसा होने के बाद ही खुलती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये सम्राट नगर के नाके के सामने ही देखेंगे आप कि बारिश का महीना शुरू हो गया है, स्कूलें चालू हो गई हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों का जो है यहाँ से आना जाना होता है यहाँ से। और ये जो गटर देख रहे हैं आप, ये टूटा हुआ है और कई दिनों से ये टूटा हुआ है, यहाँ तक कि अगर इसमें बताया जा रहा है कि रात में गाड़ी भी इसमें फंस गई थी, बाइक वाले भी इसमें गिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल 3 साल 5 साल के यहाँ से आते जाते हैं वो लोग भी इसमें गिर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक ही नहीं है, इसी तरह से एक और खुला हुआ है, आप देख सकते हैं ये नज़दीक आके उस समय दिखाइए, ये किस तरह से यहाँ पर खुला हुआ है और इसमें से बारिश का पानी भी बह रहा है। अगर कोई बच्चा 4 साल 5 साल का बच्चा इसके अंदर गिर गया और पानी का बहाव तेज रहा तो वो इसके अंदर से जो है बहने की संभावना उसकी काफ़ी ज़्यादा है। देखेंगे छोटे छोटे बच्चों का यहाँ से आना जाना शुरू होता है। मौसी क्या कहेंगे, जिस तरह से ये गटर खुला हुआ है और छोटे छोटे बच्चों का यहाँ से आप लोग स्कूल ले जा रहे, कभी अगर बारिश का पानी ज्यादा रहता तो ये दिखाई नहीं देता है। हाँ, मालूम नहीं पड़ता, ये पूरा पानी आता है, मच्छर उच्छर बहुत होती है, कभी भी हादसा हो सकता है। हाँ। जो यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं उनका ध्यान नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अभी मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं, अरे हादसा हो सकता है ना इसमें, देखिए कोई क्या नाम मर सकता है, रिजवान नाम है मेरा। अभी क्या बोलने की बात तो नहीं दिख रहा ना सबको, अंधे क्या लोग, पढ़े लिखे लोग है ना, ये क्या ये कोई बच्चा है पानी भर गया, कभी कोई गया बच्चा तो पिछल गया, तो बोल के फायदा नहीं है, ये भी कोई काम नहीं आने वाला, सच बता। नहीं क्यों नहीं काम आने वाला है, वो उनका काम है बनाना, हमारा काम है आपसे सवाल पूछना। लेकिन जहाँ तक बात जाना चाहिए उनके कान बहरे हो चुके, अंधे क्या हो, रोज देखते लोग, रोज देखते ना, यहीं से आते जाते हैं गाड़ी में बैठ के, है ना। ठीक है, फिर भी आपको मैं अपना काम आप अच्छा कर रहे हो आपका। तो आपने सुना कि जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने जो बात कही, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय नगर सेवक हैं उनसे जो है इनकी उम्मीद जो है वो टूट चुकी है कि काम नहीं होगा, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं देखेंगे आप इस तरह से ये गटर खुला हुआ है और वहाँ पर भी गटर खुला हुआ है, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है। स्कूल के बच्चे जो ऐसे है वो आते जाते हैं यहाँ से, कभी भी इसमें गिर सकते हैं, हादसा हो सकता है। लेकिन इसी तरह से आगे के साइड भी जो है जो इसी तरह लोहे के ढक्कन लगे हुए हैं गटर पर वो खुले हुए हैं। हालांकि ऐसा जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि 15 से 20 दिन पहले ही जो यहाँ के लोग थे उन लोगों ने, यहाँ के जो नगर पूर्व नगर सेवक हैं उन लोगों ने इसका नाप तोल लेकर गए कि इसमें ढक्कन लगाया जाएगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि बारिश किस तरह से हो रही है और यहाँ पर किस तरह से बारिश का पानी जो है बहाव होता है। एक बात और आपको बता दें कि नगर सेवकों में भी कहीं ना कहीं जो, अब तो नगर सेवक है नहीं पूर्व नगर सेवक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अपने अपने वार्डों को लेकर इनमें भी बंटवारा है कि ये मेरा काम नहीं है, ये उनका काम है, ये वो करेंगे। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर भी एक चाय की दुकान है, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? प्रमोद नाम। ये कितने दिन से खुला हुआ, आप इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। तो हो गया 1-2 महीना हुआ उसको खुला, वो रोड का काम चालू है, उसके वजह से रोड के वजह से सीमेंट का गाड़ी जा रहा है उसमें पूरा जाली पूरा चप। कल भी एक टेम्पो फंस गया था रात को, एक बाइक वाला भी गिरा है, बाइक वाला भी एक रिक्शा भी, ये परसों के दिन। अभी आपको क्या लगता है, आप चाय की दुकान यहाँ पर लगाए हैं और स्कूल से बच्चे जो छूट रहे हैं, पानी बरस रहा है तो तेज पानी का बहाव हो रहा है तो खतरा है ना, कचरा विचरा जमा होने के बाद पानी बहुत जमा हो जाता है, बच्चे उच्चे अगर गिर गए। और इसका माप उप लेकर गए थे आप बता रहे? हाँ, तो कल परसों के दिन गए बना लेके गए, ये पूरा माप भी लेके गए, परसों लेके गए। अभी 2-4 लोग तो यहाँ थे, वो बता रहे कि 10-15 दिन पहले लेके, तो मतलब वो अदली बदली होते रहते हैं। अच्छा, कई लोग आ रहे हैं माप लेके जा रहे हैं, मतलब खेल खेल कर रहे हैं। हाँ, पहले 2 दिन पहले दूसरा आके गया, फिर एक
सुना आपने जो यहाँ पर ये गटर का ढक्कन खुला हुआ है, यहाँ पर ही ये चाय की दुकान लगाते हैं। इनका कहना है कि इसका माप ले लेकर जाया जा रहा है लेकिन इसे बनाया नहीं जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या किसी अनहोनी के बाद ही शासन प्रशासन की नींद खुलेगी।